गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर के ऊपर, चलते हैं। चैप्टर नंबर फिफ्थ हमारा है, क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर फिफ्थ है और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी जो देन है वो सीक्वेंस और सीरीज की देन है। सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज क्या होते हैं, देखिए मैं सीक्वेंस के बारे में बताना चाहूंगा। सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऐसे अरेंज ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस एक नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर एक नियम बना हुआ हो, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में, फिर तीसरे नंबर के बीच में, फिर चौथे नंबर के बीच में, यानी कि हर एक नंबर का अपना एक विशेष नियम के साथ उनका अटैचमेंट आती हो, एक अरेंजमेंट हो, एक विशेष नियम के अनुसार, एक विशेष नियम के अनुसार वो नंबर जुड़े हुए हो, एक ला के अनुसार वो जुड़े हुए हो, तो वो आपकी एक सीक्वेंस कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं सीक्वेंस इट इज द सेट ऑफ नंबर्स, ये एक नंबर्स का ग्रुप होता है जो कि अरेंज्ड है, यानी कि अरेंज्ड का मतलब जो प्रबंधित होता है, जो एक लिस्टिंग फॉर्म में लिखा जाता है बाय ए डेफिनेट रूल, एक विशेष नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार वो जो है सीक्वेंस बनी हुई होती है, वो जो रूल के अनुसार है वो बने हुए होते हैं, नंबर्स जुड़े हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं 1 3 5 7 9 अप टू, अब ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ये सीक्वेंस है या नहीं है, तो देखिए इनके अंदर जो नंबर्स का ये एक सेट है, एक ग्रुप है, एक नंबर्स का कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे अटैचमेंट है, इनमें क्या आपस में संबंध, देखिए इन दोनों के बीच में आपस में संबंध कितनी है, 1 और 3 कितने का गैप हुआ, +2 2 का गैप हुआ, फिर यहाँ पे 3 और 2 का गैप हुआ, 5 और 2 का गैप हुआ, 7 और 2 9 का, यानी कितने कितने का गैप होता जा रहा है, हर एक नंबर के बीच में दो दो टर्म्स, दो नंबर बड़ी है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से दो बड़ी है, यानी कि इनमें जो गैप होगा वो दो दो का गैप होता जा रहा है, अगली की बात करें तो वो 11 हो जाएगी, उससे अगली की बात करें तो 13 हो जाएगी, इस तरह से दो दो का गैप होता जा रहा है। तो ये एक विशेष यहाँ पे गैप है, एक विशेष यहाँ पे ये नियम है, और ये नियम बना हुआ है, इसी वजह से इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। और देखिए ऐसे हमारे पास ऐसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो यहाँ पे भी 2 का गैप हो गया, यहाँ पे फिर 2 का है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, हर एक टर्म के बीच में 2-2 का गैप बना हुआ है, यानी एक विशेष नियम के अनुसार अगले जो टर्म है, अगली जो संख्या है वो आ रही है, इसलिए हम इसको सीक्वेंस कह सकते हैं। फिर ये देखिए 1 और 2 यहाँ पे कितने का गैप हुआ, 1 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का है, यहाँ पे कितने का हुआ, फिर 3 का गैप हो गया, यहाँ पे फिर 4 का हो गया, फिर यहाँ पे 5 का हो गया, यहाँ पे जो गैप है वो देखिए अलग अलग रेशियो में आया हुआ है, यानी पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ये जो गैप है ये आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अगले में गैप होगा वो 6 का हो जाएगा, यानी 16 6 22 आ जाएंगे, इस तरह से ये भी एक क्या है, सीक्वेंस का ही रूप है हमारे पास। तो सीक्वेंस में हो सकता है ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव का भी हो सकता है, गैप स्क्वायर में भी आ सकते हैं ये, यानी जैसे कि हमारे रीजनिंग टाइप में होता है उस तरह का बी पोर्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरह का आ जाए, 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 9 आ जाए, फिर 16 आ जाए, फिर 25 आ जाए, तो ये भी एक सीक्वेंस बन सकती है। देखिए यहाँ 1 है, इसको मैं कह सकता हूँ 1 स्क्वायर, 4 को मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को कहूंगा मैं 3 स्क्वायर, 16 को कहूंगा 4 स्क्वायर, 25 को कहूंगा 5 स्क्वायर, तो ये क्या बन रही है, सीक्वेंस है, क्योंकि इनमें एक विशेष नियम अटैचमेंट है, एक विशेष नियम का जुड़ाव है, एक रूल है उसका अटैचमेंट आया हुआ है, क्योंकि हर एक टर्म है वो पिछले टर्म से आगे वाले जो टर्म है वो एक टर्म बढ़ के और फिर स्क्वायर किया हुआ है वहां पे, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर आगे 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, इसी तरह क्यूब में भी बनाया जा सकता है,
स्क्वेयर प्लस वन का भी रिलेशन बनाया जा सकता है, क्यूब प्लस वन का रिलेशन बनाया जा सकता है, या स्क्वेयर माइनस वन का बना सकते हैं, क्यूब माइनस वन का बना सकते हैं। इस तरह से बहुत से मतलब कि हमारे पास सिक्वेंसेज बनाई जा सकती है अलग अलग नियम के अनुसार, बहुत से अलग अलग सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं अलग अलग नियम के अनुसार। तो ये हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब सीक्वेंस के मैं टाइप्स बताता हूँ, दो टाइप की तरह सीक्वेंस होती है हमारी। सीक्वेंस की दो टाइप होती है हमारी, एक टाइप होती है डेफिनेट सीक्वेंस, डेफिनेट सीक्वेंस, और एक होती है इनडेफिनेट सीक्वेंस। डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह की सीक्वेंस होती है। डेफिनेट सीक्वेंस वो होती है जिस सीक्वेंस के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, जहां पे एलिमेंट्स एक सीमा में हो, एक निश्चित संख्या हो उनकी। जैसे कि मैं कहूं यहां पे मैंने सीक्वेंस ले ली 1, 4, 9, 16 और 25, ये एक सीक्वेंस है, और मैं इसी सीक्वेंस को ऐसे लिखूं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है ये डेफिनेट है। यहां पे हमारे पास कितने अंक है, 3 और 2, 5, और यहां पे अपने पास अंकों की संख्या निश्चित नहीं है। जब अंकों की संख्या निश्चित होती है वो डेफिनेट सीक्वेंस में चली जाएगी, और जब अंकों की संख्या निश्चित नहीं है वो इनडेफिनेट सीक्वेंस में चली जाती है। तो ये हमारे डेफिनेट सीक्वेंस है, ये इनडेफिनेट है, यहाँ पे एंड सोन है, इसका मतलब ये चलती जा रही है, दैट इज ए इनडेफिनेट सीक्वेंस, दैट इज ए डेफिनेट सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं 1, इसके बाद 8, 27, 64, एक ये सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस है, ये भी एक इनडेफिनेट सीक्वेंस है। इसमें क्या नियम जुड़ा हुआ है, 1 को कह सकता हूं 1 क्यूब, 8 को कह सकता हूं 2 क्यूब, ठीक है, 27 को 3 क्यूब, 64 को 4 क्यूब, यानी ये क्यूब का नियम यहां पे जुड़ा हुआ है, क्यूब का नियम जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपने पास जो भी सीक्वेंस है ये इनडेफिनेट का एग्जांपल है, ये डेफिनेट का एग्जांपल है, जहां पे हम संख्याओं को गिन सकते हैं, निश्चित संख्या होती है अंकों की, वहां पर हम इनडेफिनेट सीक्वेंस बोलेंगे, अदरवाइज इनडेफिनेट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज के लिए। अब सीरीज क्या होती है, सीरीज में हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स होती है, सीक्वेंस की जो टर्म्स, जैसे कि इसकी टर्म्स को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, सीक्वेंस की टर्म्स को A1, A2, A3 इस तरह से एंड सो ऑन, या ये भी कह सकते हैं हम इसकी टर्म्स को T1, T2, T3, ये आपके पास इस तरह से, या ऐसे जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है उनको हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे पहली आपके पास टर्म है ये A1 है, ये 1 है तो मैं इसको कहूंगा A1, 3 है तो मैं 3 को कहूंगा A2, 5 को कहूंगा A3, 7 को कहूंगा A4, 9 को कहूंगा A5, इस तरह से। ये इनके जनरल नाम होते हैं, फिक्स नेम होते हैं इनके, या मैं इनको T1, T2, T3, T4, T5, T6 भी बोल सकता हूं। ये आपकी सीक्वेंस है, इनके जनरल नाम होते हैं टर्म्स के, टर्म्स के जनरल नेम्स होते हैं ये। आप उसी बात को मैं सीरीज में बताना चाहूं तो सीरीज के अंदर जो ये नेम है यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड जनरल टर्म्स, जनरल नेम हमें दे रखे हैं टर्म्स के, A1, A2, A3 या An तक, T1, T2, T3, Tn तक, इन सभी को एक सीरीज में हम डिनोट करेंगे तो हम एक एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आपकी एक सीरीज बन जाती है इस तरह से, इस तरह से, या इस वैसे लिखा जाए T1, T2, T3, T4, इस तरह से सम की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये आपकी क्या बन जाती है, सीक्वेंस बन जाती है। और हम इनको एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, सिग्मा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा AI, और आई की वैल्यू होती है वो 1 से लेके n तक होती है, AI दिखा सकते हैं, आई की वैल्यू 1 से n तक, यानी आप 1 रखेंगे तो 1A1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो A4 आ जाएगा। आई का मान 1 से लेके n तक होता है, और सिग्मा लगा दिया, ये जो साइन होता है ये आपका सिग्मा का होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, सम करना, एड करना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सीरीज।
तो सीक्वेंस और सीरीज तो हमारे पास ये होती है, सीरीज भी डेफिनेट और इनडेफिनेट बन सकती है। डेफिनेट सीरीज जहां पे संख्या अंकों की निश्चित हो, इनडेफिनेट जहां पे अंकों की संख्या निश्चित ना हो, ठीक है, जहां पे डॉट डॉट लग गया तो वहां पे वो इनडेफिनेट बन जाती है, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस और सीरीज थी। अब सीक्वेंस और सीरीज की एक मुख्य ब्रांच होती है, मुख्य पार्ट होता है, एक विशेष पार्ट होता है, उसको बोला जाता है एपी। अगला पार्ट है वो जीपी और उससे अगला पार्ट है वो एचपी। तीन पार्ट होते हैं इसके, एपी जीपी एचपी, तीन पार्ट हमारे पास आते हैं, एपी जीपी और एचपी, एपी जीपी और एचपी। एपी का मतलब होता है सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीनों पार्ट्स आते हैं इसमें। हम 10th क्लास में केवल एपी के बारे में पढ़ेंगे, 11th क्लास में एपी जीपी दोनों पढ़ेंगे और कॉम्पिटिशन लेवल पे एचपी भी हम यूज करते हैं, एचपी भी पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, ठीक है। अब एपी के बारे में पढ़ेंगे यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो हमारी सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस में हर एक संख्या के बीच में एक कॉमन डिफरेंस बनता है, यानी उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, सार अंतर बोलते हैं उसको। सभी आगे वाले एक टर्म में प्रोसेसिंग टर्म के अंदर पीछे वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो समान बनता है। यानी जैसे कि हमारे पास अगर सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 इस तरह से है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है A2 - A1, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर रहेगा A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, A5 - A4 इस तरह से डिफरेंस बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर है। इसको मैं D1 से डिनोट करूं, इसको D2 से, इसको D3 से, इसको D4 से, तो ये D1, D2, D3, D4 सारे के सारे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो वहां पे वो आपके पास जो डिफरेंस बराबर मिल जाता है तो वो सीरीज वो सीक्वेंस है वो एक एपी का रूप ले लेती है। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4 बराबर आ जाते हैं, वो आपकी जो सीक्वेंस है वो एपी का रूप ले लेती है, वो सीक्वेंस है वो एपी का रूप ले लेती है जहां पे ये डिफरेंस बराबर हमें मिल जाता है, ठीक है। आप देखिए यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये द टैक्सी फेयर, यानी टैक्सी का किराया, फेयर FARE फेयर, फेयर का मतलब होगा किराया, एक होता है FAIR फेयर, फेयर मींस होता है मेला, ठीक है। तो यहां पे किराया है FARE फेयर, फेयर मींस किराया। आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वहन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि अगर हम टैक्सी में जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, बैठ जाते हैं, टैक्सी किराए पर लेते हैं, तो पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हमें भरना पड़ेगा ₹15। पहले किलोमीटर के लिए हमें ₹15 भरना पड़ेगा, एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर। और अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले किलोमीटर के लिए ₹15, आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का तो ₹15 और अगले 1 किलोमीटर का हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, एडिशनल ₹8 हमें वहां पे उसको पे करना पड़ेगा, ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को देना पड़ेगा, ट्रेवलिंग चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना लगे हमारा, ₹15। तो हम कहेंगे द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, ठीक है। इसके बाद में हमने सेकंड किलोमीटर की बात की, भाई दूसरे किलोमीटर की बात की तो हमें ₹8 और देने पड़ेंगे, तो फेयर ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 किलोमीटर का फेयर हम बात करें तो हम इसमें 8 ऐड कर देते हैं, 15 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा यहां से
23 हो जाएगा। फिर फेयर ऑफ 3 किलोमीटर की बात करें, 3 किलोमीटर के चार्ज कितना रहेगा, इसमें 8 और ऐड कर देंगे हम, 31 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले 4 किलोमीटर के फेयर की बात करें, 4 किलोमीटर का किराया कितना हुआ हमारा, 4 किलोमीटर के किराए के लिए 8 और जोड़ दो, 37 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पहली टर्म हुई, इसको मैं A1 बोलूंगा, ये हमारी दूसरी टर्म हुई A2, इसको मैं तीसरी टर्म बोलूंगा A3, इसको मैं चौथी टर्म बोलूंगा A4। इसी तरह से आपके पास ये चलता रहेगा A4, A5, A6, A7, A8, लास्ट में कहां तक जाएगा ये, लास्ट में जाता है ये, लास्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं हम nth टर्म, उसको क्या बोलते हैं हम nth टर्म बोलते हैं, और उसको हम an से डिनोट करते हैं या l से डिनोट करते हैं, इसको हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं, जर्नल टर्म भी बोलते हैं, या tn भी कह सकते हैं। लास्ट में कहां तक जाएगा ये, an तक जाएगा ये, an तक, an को हम लास्ट टर्म यानी l से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है एक जर्नल टर्म भी कहा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जर्नल टर्म। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल टर्म यानी tn भी कही जा सकती है या an भी कही जा सकती है या l भी कही जा सकती है। तो ये हमें एक एग्जांपल दिया गया था, ये एपी का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म लेस करो, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म आपको लेस करनी है। तो अगर हमें एक फिक्स डिफरेंस मिले तो वो एक एपी मिले, फिक्स डिफरेंस सभी का डिफरेंस समान हो, जैसे D1 हम निकालते हैं, यहाँ पे D1 निकालेंगे तो A2-A1 बोला जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, 23-15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम D2 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस नंबर 2, A3-A2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करेंगे, 31-28, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 31-23 हम D3 निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा A4-A3 यानी फोर्थ टर्म, 37 में से 31 घटा दो, 37-31 ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है, D1 D2 D3 D4 निकाले तो वो भी इक्वल आएगा। तो ये किसकी सीक्वेंस, किस टाइप की बन जाएगी, ये सीक्वेंस है एपी की, ये सीक्वेंस किस टाइप की बनेगी, एपी की टाइप की बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं एपी। इसी तरह से हमारे जीपी भी होती है, एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। हायर लेवल पे जाएंगे तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम, इसका अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम 10th क्लास में, ये चैप्टर नंबर हमारा 5th है, एपी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एनसीईआरटी के जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी जिक्र करेंगे, उनके ऊपर कुछ एक सॉल्यूशन देंगे। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट टाइप है इसमें, हमें a बराबर दिया है 10, d बराबर दिया है 10, तो हमें बताना है कि हमारी ap क्या बनेगी, what is ap, a बराबर 10 और d बराबर 10, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, या a1 कह दीजिए या t1 कह दीजिए, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब अभी बताया था, ये सारे हमारे जो d1 d2 d3 होते हैं ये कॉमन डिफरेंस ही होते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमें 10 दिया है और a बराबर हमें 10 दिया है। अब मैं यहां पे बात करना चाहूंगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे एपी की, एपी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखिए, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उनकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax+b होती है, क्वाड्रेटिक की ax2+bx+c होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एपी की, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखिए, a+d a+2d a+3d a+4d, इस तरह से
अप टू सोम एंड सोम, इस तरह से चलती रहती है। ये स्पेनल फॉर्म है। इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म ए वन और ए प्लस थ्री का मतलब हमारे पास सेकेंड टर्म ए टू, ये होती है हमारे थर्ड टर्म ए थ्री, ये होती है हमारे फोर्थ टर्म ए फोर, ये होती है हमारी ए फाइव, इसी तरह चलता रहेगा आगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी। तो हम ए का मान और डी का मान इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी इसकी एपी। ठीक है, तो देखिए हम ए का मान 10 रखेंगे यहां, 10, ए का और डी का दोनों का 10 है, तो अब 10 प्लस 10 20, फिर ए का मान 10, 2 इंटू डी, डी का दुगुना कर दो, यानी डी का दुगुना, डी हमारा कितना है 10, 10 का दुगुना करेंगे 20, 20 में एक 10 और ऐड कर दीजिए 30। एक नियम और भी इसका डायरेक्ट, यदि आपके पास पहली टर्म है और डी का मान है और अगर आपको एपी निकालनी हो तो अगली टर्म आपको निकालनी है तो पिछली टर्म में आपको डी ऐड करते चले जाना है, डायरेक्टली डी को ऐड करते जाए वो आपकी क्या बनती चली जाएगी, एपी बन जाएगी। जैसे मेरे को अगले टर्म निकालनी है तो मैं 30 के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो इसमें 10 ऐड करूंगा तो 40, फिर इस चले निकाले तो इसमें 10 ऐड कर दूंगा 50, फिर इस चले निकाले तो 10 ऐड कर दूंगा मैं 60, इस चले निकाले तो 70, इस तरह से आपकी चलती जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी हमारे पास, दिस इज एपी ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू माइनस 1.25 एंड डी इक्वल टू माइनस 0.25, हमें ये दिया हुआ है और हमें बताना है इसकी एपी। ए की वैल्यू हमारे पास है और डी की वैल्यू हमारे पास, ए इज इक्वल टू माइनस 1.25, डी इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 0.25, तो हमें फाइंड करनी है इसमें एपी। तो यहां पे भी एपी निकालने का तरीका हमारा वही होगा, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म का हमारी जो ए होती है वही बन जाएगी, तो हमारी एपी क्या बनेगी, देखिए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1.25, अगली टर्म निकालनी है तो ए और डी को जोड़ दो, ए को और डी को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा हमारे पास माइनस 1.25 है और डी की वैल्यू माइनस 0.25 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए दोनों ही नेगेटिव में है तो ऐड करेंगे हम दोनों को, माइनस 1.25 माइनस 0.25 को ऐड करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट की वैल्यूज को ऐड करना नहीं आता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, ठीक है, पॉइंट के बाद की जो टर्म होते हैं वो पॉइंट के बाद की टर्म के नीचे, जीरो कैरी वन हो जाएगी, टू टू फोर वन फाइव हो जाएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर माइनस का वन, तो ये आ गया माइनस 1.50, तो अगली टर्म होगी माइनस 1.50। इससे अगली टर्म निकालनी है हमें, यानी ये वाले निकालनी है, तो इसके लिए ना आप ऐसे मत करो, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यूज कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली अगर कम समय हम लगाना चाहें, हमारे पास समय कम है तो हम कैसे करेंगे, तो इस पीछे वाले टर्म में सीधा डी एड कर दो, अब यहाँ पे इसमें डी एड करो, माइनस 1.50 है, इसमें आप ये एड करोगे तो यहाँ पे माइनस का 1.75 हो जाएगा, फिर इससे अगले टर्म निकालो तो इसमें डी एड कर दो, इसमें डी का मतलब ये एड करोगे तो माइनस का 2.00 हो जाएगा, फिर इसमें ये डी ऐड करोगे तो 2.25 हो जाएगा, इट मीन 0.25 है, 0.25 आप ऐड करते जाओ, ये भी माइनस का होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एपी आ जाएगी, ये आपकी बन जाएगी एपी, एक सीक्वेंस बन जाएगी, सीक्वेंस की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एपी, एक ब्रांच होती है एपी हमारे पास, तो इस तरह से एपी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी का हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।